घुमा ले फोटो ले। अपना अपना दूरी बना कर रखें। मैं उसको नहीं आया बाहर इमरजेंसी सेवा के अलावा कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। इमरजेंसी सेवा के अलावा कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। अरे मुस्ताफी से जिनका पास है वह एक आदमी है। बोल दिए दुकान के सामने बाइक रह गई, वो भी जीव मारो। अभी जो सर के साथ निकल के कढ़ाई किया गया है तो नॉर्थ आज हम लोग सिर्फ उस तरफ छुप के रहे थे, बहुत पकड़ा है, बहुत दिखा है, क्योंकि यहाँ से सामने लोग दुकानदार को जुर्माना की जाएगी। नहीं रखेंगे, बाद में कहते हैं लोग कि सीधी था ये था बात था। और जाओ बाजार को एकदम नया जो में नया में सलून का मतलब कोमल फोन कर दो कौन फोन कर दुकान पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। हॉस्पिटल का नहीं माने कि मेडिकल वाला कोई नहीं बैठा हो निकले हुए हैं। अभी सभी को यह सूचित किया जा रहा है कि किसी भी तरह का एक्स्ट्रा छूट नहीं दिया गया है। पहले जैसी स्थिति थी लॉकडाउन में वो सेम स्थिति कंटिन्यू करेगी, इस लॉकडाउन में भी रहेगी। किसी भी तरह की अनावश्यक वस्तुओं की दुकानें नहीं खुले रहेंगी। किसी भी तरह के ई रिक्शा या बाइक जो बिना पास के वो नहीं चलेंगे। पास लेंगे इसके बाद ही उनको चलने के लिए अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा जो भी आवश्यक वस्तुओं की गाड़ियाँ हैं उनके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं है, वो बिना पास के भी आवश्यक वस्तुओं की गाड़ियाँ जा सकती हैं। मार्केट में जो भीड़ लगाते हैं लोग उनसे यही अनुरोध है कि अपने घर के सामने की दुकानों से सामान ले, ना कि बकरी बाजार आए दो दो तीन तीन चार चार किलोमीटर दूर से, उससे अनायास यहाँ भीड़ लगता है। यहाँ पे जो अनायास रूप से दिखेंगे लोग उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो ई रिक्शा बाइक दिखते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और जो अनावश्यक रूप से जो अनावश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं उनको खोलते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी किस तरह की कार्रवाई की गई है बाइक सवारों पर? अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ बाइकों को जब्त किया है, जैसा कि टैक्स कलेक्टर एसडीओ साहब ने बताया 6 बाइक अभी जब्त की गई है, उन पर फाइन किया जाएगा मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत, और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग एपिडेमिक एक्ट है उसके तहत भी FIR दर्ज कराएंगे।